नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परीक्षा प्लस पे। मैं हूं आलोक शुक्ला और आज आपके लिए लेके आया हूं यूपी ट्रिपल एससी लोअर मेंस के लिए जो फुल कोर्स चल रहा है उसका पहला लेक्चर, जो आपको डेमो के तौर पे भी दिया जा रहा है ताकि वो बच्चे देख सके, जज कर सके कि परीक्षा प्लस की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितना जबरदस्त कंटेंट इसमें दिया जा रहा है और हम कितना डेडिकेटेड है आपकी सफलता के लिए। तो इन तमाम बातों को आज के लेक्चर में हम देखेंगे, साथ साथ में हम एक पूरी टॉपिक भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। टॉपिक जो कवर करेंगे वो हमारा आज नंबर सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि एक बात तो अगर हम पहले क्लास की बात करें मैथ्स के, क्योंकि ये पूरा पोर्शन है और देखा जाए तो आपका जो पूरा 200 क्वेश्चन का पेपर होने वाला है, 100 का पेपर वन, 100 का पेपर टू, एक में आपका मैथ्स के साथ हिंदी आएगा, मैथ्स और साइंस आपका 75 क्वेश्चन और 25 हिंदी उसके साथ। तो मैं पर्टिकुलर उस पेपर की बात करूंगा जिसमें मैथ जो होगा वो 38 क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है। मैंने अभी उसकी स्ट्रेटजी भी बताया था, व्हाट्सएप फेसबुक सब पे मैंने दिया भी था, आप लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको भी दिया था, इवन पोस्ट पे हमने जाके इस कम्युनिटी पे यूट्यूब पे भी दिया था। तो आप वहां से भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और भी आगे स्ट्रेटजी लेते आएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मेन मुद्दे की बात है वो आपको बता दूं उससे पहले कि आप देख लो कि ये जो लोअर मेंस है, लोअर मेंस का जो हमारा कोर्स है फुल कोर्स है और टेस्ट सीरीज हम इसमें दे रहे हैं। फुल कोर्स में आपको सारे वीडियो क्लासेस दिए जा रहे हैं, दो मिनट में जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ आपको। सभी क्लासेस के नोट्स दिए जाएंगे, जैसे क्लास होगी उसके बाद नोट्स दिए जाएंगे, उसके बाद अद्यतन पाठ्यक्रम पे आधारित सारे बुकलेट नोट्स होंगे, सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल अलग अलग नोट्स होंगे। इसके साथ साथ ही आपके 25 टेस्ट रखे जा रहे हैं और उसके बाद व्याख्यात्मक हल उनका भी दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो है इसमें सेक्शनल टेस्ट दिया जा रहा है। सेक्शनल टेस्ट से फायदा आपका ये होगा कि डेली एक सेक्शन का टेस्ट आपका लिया जाएगा। सपोज करिए कि जीएस का सेक्शन है तो 75 क्वेश्चन से पूछते हैं तो 75 क्वेश्चन का हूबहू जैसे एग्जाम में आना है वैसे सेक्शनल आपका टेस्ट होगा और इनकी कुल संख्या अंत तक 75 से ज्यादा होगी। तो 75 ये 25 है, मतलब इस पूरे प्रोग्राम में आपको 100 से ज्यादा टेस्ट मिलेंगे, सारे के सारे वीडियो क्लासेस मिलेंगे, सारे आपके नोट्स मिलेंगे और उसके बाद रिवीजन नोट्स हम अलग से देंगे। एड ऑन के रूप में 3000 जीएस के एमसीक्यू और 1000 हिंदी के एमसीक्यू भी आपको इसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज में केवल टेस्ट प्रोग्राम है प्लस रिवीजन नोट्स है जिसमें टेस्ट की संख्या केवल 25 रखी गई है, 7 सब्जेक्टिव है, 18 फुल लेंथ टेस्ट है। तो ये हमारे प्रोग्राम है। हालांकि बिना देरी किए हुए हम आते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बात तो हमें समझना है कि ये शेड्यूल बहुत ही बड़ा है। वीडियो क्लासेस भी करानी है आपको, आपको टेस्ट सीरीज भी देना है, डेली सेक्शनल टेस्ट भी देना है, आपको बहुत अच्छे नोट्स भी देने हैं, रिवीजन नोट्स भी देने हैं। तो इतनी सारी चीजें एक दिन में नहीं होनी है और अगर इनकी गुणवत्ता बनाए रखनी है, अगर ये टीम आपके सेलेक्शन के लिए डेडिकेटेड है तो जाहिर सी बात है कि जो कंटेंट होगा बहुत अच्छा होगा, बहुत ही टाइम लेके उसे किया जाएगा। तो हम समय की भी उपयोगिता समझेंगे हमारे लेवल पे भी और आपके लेवल भी, आप पे भी समय की उपयोगिता समझो, एक सेकंड भी अपना बर्बाद मत करो, आप आज से अपनी तैयारी करना शुरू कर दो। हम मैथ की बात कर रहे थे तो मैथ में जो पूरा 100 क्वेश्चन का जो पेपर होगा उसमें आपका 75 में मैथ्स और साइंस होगा और 25 क्वेश्चन में आपकी हिंदी होगी। तो अभी जो मेरा सब्जेक्ट है आपको मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, इवन मैं ये पूरा 75 क्वेश्चन मैं ही कवर कराऊंगा और निश्चिंत रहिए इस 75 क्वेश्चन में मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप अगर मेरे हिसाब से चल दिए तो 70 प्लस सही करके आएंगे। कितना भी पेपर आपका टफ आ जाए, कैसे भी आ जाए, टफ तो हालांकि होता नहीं है, मैं बताऊंगा, जैसे 20% टफ होता है, बाकी मॉडरेट और इजी होते हैं पेपर, लेकिन हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। 100% तो कोई नहीं होता है, इवन अगर आप बहुत अच्छी मेहनत कर लोगे तो 75 में 75 क्वेश्चन भी सही करके आओगे, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं। तो 75 क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी पे है, आप समझिएगा मैं कैसे इसे कवर करा रहा हूं। अगर मैथ्स की बात किया जाए तो मैथ्स 38 होगा और इसकी 37 होगा, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल एससी है वो दोनों को 50-50 में डिवाइड कर रहा है। अब 37.5 क्वेश्चन तो हो नहीं सकता, तो एक को 37 रख दिया, एक को 38 रख दिया, मैथ 38 रहेगा क्योंकि लोअर टू का भी अभी जो हाल ही में पेपर हुआ था उसमें भी 75 क्वेश्चन मैथ्स और साइंस एक साथ थे, जिसमें 38 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे और 37 क्वेश्चन आपके साइंस के थे, तो उसी पे अनुमानित है। इवन आपका इधर उधर भी प्रैक्टिस करा दिया जाएगा, लेकिन आप दिमाग में रख के चलो 38 है। तो ये 38 क्वेश्चन अप्रॉक्स वैल्यू टू 40, और अगर इसे 200 में देखा जाए, इसका परसेंटेज निकाला जाए, तो ये करीबन आपका 20% कवर कर रहा है, यानी कि 1/5 जो होंगे वो केवल मैथ्स होंगे। अब आप समझ लीजिए पूरे पेपर का 1/5 हिस्सा जो है वो केवल मैथ है। तो मैथ की उपयोगिता बहुत ज्यादा है, इसे हम बहुत अच्छे से करेंगे। और मैथ का मैंने बताया था, अगर मैथ आपको तेज कर दिया, भले ही आपको मैथ नहीं आ रही, एक बात तो समझिएगा कि अगर आप प्री क्वालिफाई करके आए हैं, आप मेंस दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई यहां पे जीरो नहीं होगा, जीरो मैथ वाला बच्चा प्री नहीं क्लियर कर पाएगा, यह बात अंडरस्टूड है।
जाहिर सी बात है सभी का कहीं ना कहीं जो लेवल है वो बराबर है, और किसी का जीएस ज्यादा स्ट्रांग है तो मैथ थोड़ा कम है ना, या किसी का मैथ्स पोर्शन ज्यादा स्ट्रांग है, मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन, साइंस वाला, तो जीएस उसका कमजोर है, लेकिन है सभी एक ही तराजू पे ओवरऑल देखा जाए। तो हम ये लेके चलेंगे कि बहुत जीरो का कोई बच्चा नहीं है, थोड़ा सा उसका लेवल अपने आप बन गया है ताकि हम चीजों को और अच्छी चीजों को कवर भी करा सके और आपको भी साथ में कोऑपरेट करना है। अब समझिएगा कि अगर ये 1/5 आपका 20% मैथ ही है तो हमें एक एक बिंदु को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही एकाग्रता से, बहुत ही संयम के साथ एक एक चीज सीखते हुए चलना है। तो ये तो मैंने आपको क्वेश्चन डिवीजन बता दिया। अगर मैं टॉपिक की बात करूं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैंने स्ट्रेटजी भी डिस्कस किया अलग से, वो भी आप पढ़ लो, ज्यादा समय मैं यहाँ पे नहीं लूंगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि अगर लोअर प्रे की बात किया जाए तो उसमें नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति जिसे आप हिंदी में बोलते हो, अनुपात समानुपात जिसे रेशियो बोला जाता है, और अर्थमेटिक के कुछ चैप्टर और परसेंटेज वगैरह से, हालांकि उससे कमी थे, लेकिन ये दो चैप्टर का सबसे ज्यादा बोलबाला था। इसके बाद थोड़ा बहुत ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का बोलबाला था। 25 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा 6 से 7 क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम कवर कर रहा था, 2 से 3 क्वेश्चन आपका रेशियो, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो टाइम एंड वर्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इन तीन चैप्टर को मिला लें तो 25 में से 15 क्वेश्चन लगभग यही तीन चैप्टर कवर कर रहे थे, बाकी सारे के सारे चैप्टर से एक एक दो दो क्वेश्चन था। और अगर चारों शिफ्ट की बात करें तो यूपी ट्रिपलएससी में पहले बता चुका हूं टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, और टीसीएस जब एग्जाम कंडक्ट कराता है तो कोई टॉपिक आपसे छोड़ता नहीं है। उसने अगर सिलेबस में आपको डिपिक्ट कर दिया है कि हाई स्कूल स्तर तक की अगर गणित पूछी जाएगी तो जितना भी आप, चाहे वो आप राज्य स्तरीय किसी परीक्षा से के आए हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड वगैरह से रहे हो, आपके सिलेबस में जो भी 10th तक पढ़ के आए हो वो आपसे पूछा जाएगा। वो चाहे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, वो चाहे आपका लीनियर इक्वेशंस हो, वो चाहे आपका एलजेब्रा हो, जिससे आपको डर लगता है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो आपके स्टेटिस्टिक हो, जनरली आप क्या तैयारी कर रहे हो तो बैंक एसएससी इन सबके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो जो स्टेटिस्टिक वाली टॉपिक होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, इन सबसे थोड़ा पीछे छूट जाता है। लेकिन हम यहाँ पे सारी चीजों को कवर करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको बख्शने वाला नहीं है। किसी न किसी शिफ्ट में, अगर 2-3 शिफ्ट में हुआ, हालांकि चांसेस तो ये हैं कि 2 ही शिफ्ट में हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि किसमें आपका कौन सा पोर्शन आ जाए, आपको सबके लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप किसी चीज को छोड़ नहीं सकते हो। क्यों नहीं छोड़ सकते हो? क्योंकि ये बात समझिएगा कि पद आपका 672 है, बच्चे हैं आपके पास 15,000 समथिंग करके, और 15,000 बच्चों में सभी लमसम बराबर है, इक्विवेलेंट बच्चे हैं, सबके मार्किंग देखो तो वही 10 नंबर में। अगर 103 क्वेश्चन कट ऑफ गया है तो 103 क्वेश्चन से लेकर 115 क्वेश्चन के बीच में वो 15,000 बच्चे हैं पूरे। बात समझ में आ रही? कोई ही शायद ऐसा होगा जो 115 क्वेश्चन से ज्यादा सही करके आया होगा। ये बात समझ में आ रही? 115 से 20 वाले की बात कर रहे हैं। तो जब बच्चे सारे कंपेरेबल हैं तो मेहनत सबको बराबर ही करनी है, और बहुत टफ कंपटीशन, बहुत ऐसा समझिए बहुत ही ज्यादा आपके बराबर कंपेरेबल वाले लड़के हैं तो मेहनत आपकी बढ़ जाती है, ऐसा हमें दिमाग में रख के चलना है। तो आप कोई क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते हो, स्किप का चांस यहां पे नहीं है, वो मैं लास्ट टाइम स्ट्रेटजी में अच्छे से बताऊंगा। अभी हम शुरुआत करते हैं। अगर ये पोर्शन मैंने बता दिया जैसे सब कुछ पूछता है, तो हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे क्योंकि बात चाहे इसकी नहीं है, लोअर की नहीं है, आप कोई भी परीक्षा देने जाओ, नंबर सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा चैप्टर है जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। उसका कारण भी क्या है? नंबर सिस्टम एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, नंबर सिस्टम खुद का क्लासिफिकेशन है, उसके बाद जिसमें बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेसिमल, फ्रैक्शन, इवन, ऑड, ये सब अपना ही एक पोर्शन लेके जाता है। इसके बाद आपका इसमें प्राइम नंबर वगैरह से भी काफी क्वेश्चन वगैरह बन जाते हैं, ये आपका एक अलग ही पोर्शन लेके जाता है। इसी में आपका फैक्टराइजेशन आ जाता है, इसी में एक टॉपिक आपका यूनिट डिजिट आ जाता है, इसी में एक क्वेश्चन आपका लास्ट 2 डिजिट आ जाता है, इसी में आपके क्वेश्चन फैक्टराइजेशन मैंने बता ही दीजिए, रिमाइंडर कॉन्सेप्ट आ जाता है, रिमाइंडर थ्योरम आ जाता है, दोनों अलग अलग चीजें, सारी चीजें मैं बताऊंगा। नंबर सिस्टम में इतना है, इन सबसे हटता है तो एलसीएम एससीएफ आ जाता है, उसके बाद इन सबसे हटा तो सर्ट्स एंड इंडिसेस आ जाता है, और फिर कुछ क्वेश्चन एवरेज और मिसलिनियस पे होते हैं। तो इतने चैप्टर एक साथ जब नंबर सिस्टम में ही समाहित है तो जाहिर सी बात है वहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे। क्यों? एक क्वेश्चन एलसीएम एससीएफ से तो पक्का आएगा आपके एग्जाम में, एक क्वेश्चन रिमाइंडर से कन्फर्म आने वाला है, एक क्वेश्चन यूनिट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट से में से कोई एक पूछेगा, पिछले लोअर प्री में भी पूछा था, अगर आप पेपर को बहुत अच्छे से एनालाइज किए हो तो जानते होंगे। फैक्टराइजेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको याद दिला दूं, जैसे क्वेश्चन पूछा था कि नंबर ऑफ पेयर कितने बन सकते हैं, पूछने का तरीका उसका अलग था।
प्राइम नंबर से भी क्वेश्चन पूछा था, क्लासिफिकेशन नंबर पूछा था, तो ये अगर सबसे एक एक रख ले तो 7-8 क्वेश्चन तो यहीं से बन जा रहे हैं। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए, इंपॉर्टेंस है इसका। दूसरी बात मैं बता दूं कि ये चैप्टर प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा जरूरी है, ये कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसका आपका क्या कॉन्सेप्ट। जितना जबरदस्त आपका कॉन्सेप्ट होगा, जितनी माइन्यूट बातें आपको समझ में आई होंगी, जितनी आप इसकी बारीकी समझोगे, जितना आप इसकी आत्मे में घुस जाओगे, उतना ही मजबूत ये चैप्टर हो जाएगा। इस चैप्टर में है कुछ नहीं, केवल कॉन्सेप्ट है। तो हम कॉन्सेप्ट की शुरुआत करेंगे आज से। क्लासिफिकेशन सबसे पहले लेके आएंगे नंबर सिस्टम में, और एक एक करके सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से हम करते चले जाएंगे। तो फटाक से आप लोग क्लासिफिकेशन हेडिंग भी डाल लो। ध्यान रहे कि ये मैं डेमो लेक्चर कर रहा हूं, डेमो नाम का है, ये आपका पहला ही लेक्चर है। जो बच्चे कोर्स खरीद लिए हो वो ऐसा मत सोचो कि डेमो है तो ये दोबारा फिर पढ़ाया जाएगा, आपको यही लेक्चर पढ़ना रहेगा, क्योंकि ये शुरुआत हो गई है बहुत अच्छे से। बहुत लोगों के आप लोग दिमाग में चल रहा है कि कोर्स 25 से चलेगा, नहीं, कोर्स कल से ही प्रारंभ हो गया है। आज मैं आपका मैथ्स का सेशन करवा रहा हूं, तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हम 25 तक रिलैक्स है, कोई रिलैक्स नहीं दे रही है टीम परीक्षा प्लस। आज से आपसे मेहनत करवाएगी और तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। तो हम आपके सिलेक्शन के लिए प्रतिबद्ध है, ये बात आप भी जानते हो, क्वालिटी हमेशा मेंटेन करके रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन किसका? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है संख्या पद्धति। हिंदी वाले, मैं साथ साथ हिंदी बोलता चलूंगा, कोई जो नहीं कि मैं लिखूंगा, हालांकि यहां पे लिख दे रहा हूं, पहला ही वरना आप बोलोगे साथ हिंदी में पढ़ाइए। संख्या पद्धति, अभी देखिए नंबर सिस्टम आया कहां से, ये बात सभी लोग जान रहे हो। नंबर मतलब संख्या होती है, और सिस्टम मतलब कोई प्रणाली या कोई वो। काउंटिंग की जब हम बात करते हैं तभी हमारे नंबर की बात आता है, और काउंटिंग ही मात्र नहीं रह गया मैथ्स में, बहुत आगे चला गया, लेकिन जो भी मैथ्स है वो कहीं ना कहीं कहां पे राउंड अप रहती है, वो रहती है नंबर पे ही रहती है। इसलिए ये चैप्टर पहला मोस्ट चैप्टर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इस नंबर सिस्टम में अगर हम इंपॉर्टेंट बात करें तो है क्या एग्जैक्टली, मैं आपको दो चीज समझाऊंगा यहाँ पे। एक तो आपको समझाऊंगा नंबर लाइन, सभी लोग वाकिफ हो गए, मैं बहुत तो जीरो में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे हमें सब कुछ कवर करना है और एक जीरो से एडवांस लेवल तक ही जाना है। अब ये तो आप सभी को मालूम होगा कि नंबर लाइन क्या होता है। दूसरी बात, हम साथ साथ में चलते चलेंगे उसकी क्लासिफिकेशन में, तो जो नंबर सिस्टम है, जितने भी नंबर बने है ना, इसका इतिहास जो भी रहा, नंबर कहां से आया, कौन खोजा, ग्रीक खोजे, इंडियन खोजे, वो बात अलग है, लेकिन जो भी नंबर हुए, नंबर सबसे पहले जो आया वो रियल नंबर था। वास्तविक संख्याएं जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, रियल नंबर, ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हो, वास्तव में हो मतलब, अब ऐसा, अब ये नाम तो बता रहा है कि कोई इमेजनरी नंबर भी होगा, तो बस सही है, अगर ये रियल नंबर है तो कोई दूसरा इमेजनरी नंबर भी होगा। और ये बाद में आया, क्यों बाद में आया, ये तब आया जब साइंटिस्टों को जरूरत पड़ी कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के जिनसे उनकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, हालांकि इमेजनरी नंबर हमारे कोर्स में नहीं है क्योंकि वो 11th का है और आपका कोर्स जो है वो 10th तक ही पूछेगा, तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, एकदम स्ट्रिक्टली वो नहीं पढ़े, एक भी प्रश्न से नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी मैं क्लासिफिकेशन में बता दूं, आपने आयोटा का टर्म सुना होगा, आय, ऐसा पढ़े होगे ना, 2+3 आय, ऐसे पढ़े होगे भैया। 11वां तो सब लोग पास हो ना, 12वां पास करके आए हो तभी तो यहाँ पे एग्जाम निकाले हो, है ना, तभी तो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो लोअर प्री निकाल के हो, अब मेंस जा रहे हो, उसके बाद अधिशासी अधिकारी हो जाओगे, उसके बाद पैसा छापोगे, तो ये तभी होगा जब आप 11वीं क्लास पास करके आए हो। तो जाहिर सी बात है ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि 2+3 आई कभी पढ़ोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में आप पढ़ते, क्लास 11वीं में ये था। तो ये आय क्या है, आय का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट का अंदर माइनस होगा, या आप ऐसे बोलो आई स्क्वायर के वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है। लेकिन मैथ क्या कहती है, मैं आपको बहुत जरूरी बात बताता हूं, मैथ कहती है कि कभी भी अंडर रूट के अंदर, कभी भी रूट के अंदर कोई चीज निगेटिव हो ही नहीं सकती। तो जब मैथ निगेटिव हो ही नहीं सकती तो फिर ये माइनस वन कैसे आ गया, तभी तो मैथ इससे गुस्सा हो गई, है ना, मैथ क्यों गुस्सा हो गई, ये थे साइंटिस्ट वाले लोग, इन्हें तो मैथ से मतलब ही नहीं था, इन्हें केवल अपने डेटा से मतलब था, इन्हें जबरदस्ती कोई चीज प्रूफ करना था, तो वो बस ले आए माइनस वन लिख दिए। हालांकि बहुत हेल्पफुल है साइंटिफिक डेटा में, बहुत ज्यादा यूजफुल है, उसके कई जगह यूज आ रहे हैं, क्योंकि इमेजनरी बात कहां है, जब हम जेड कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा, जेड तीन एक्सिस होती है, मैं बता दूं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड, तो ये जो जेड वाला डायमेंशन होता है ना, तीसरा डायमेंशन, वहां पे साइंटिस्टों को, मैथमेटिशियंस को मदद मिला था। तो ये हमारे कोर्स में नहीं है, यहाँ पे बस आप इतना समझिए, जो ऐसे वाले नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी होता है। रियल नंबर क्या होता है,
हम रियल नंबर की यहाँ पे बात करेंगे। तो रियल नंबर होता क्या है, ऐसे समझिए वास्तविक संख्याएं होती हैं, और वास्तविक संख्याएं मतलब जो भी आप देखते हो, 1, 2, 3, 4, 2.5, 7.9, 1.33, ये सारी संख्याएं, जो भी संख्याएं आप आजकल यूज कर रहे हो, जो आपके एग्जाम में आने जा रहा है, जो आप किताबों में पढ़ते हो, विभिन्न जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, वो सारी संख्याएं कहीं ना कहीं क्या है, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो ऐसे समझो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हटा दिया जाए, इमेजिनरी नंबर को हटा दिया जाए, तो जो भी आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए सभी को। अब अगर हम रियल नंबर को फर्दर क्लासीफाई करें, क्लासिफिकेशन पढ़ा रहे हैं, एक एक चीज समझ में आएगा कि नंबर्स क्या है, नंबर्स में दो चीज अलग हुए, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर को फर्दर तोड़ा गया तो हम ये पाए कि इससे इंटीजर बोले, इंटीजर इसे डिनोट करते हैं आई से, इसे पूर्णांक भी बोलते हैं, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, अंग्रेजी में इंटीजर होता है, डिनोट आई से करते हैं। और अगर हम नंबर लाइन की बात करें, देखिएगा ये जीरो है, इधर प्लस इनफिनिटी, इनफिनिटी इसके पे भी मैं बहस करूंगा एक बार, इनफिनिटी क्या होता है, आज के लेक्चर में नहीं करूंगा, दूसरे लेक्चर में करूंगा, इनफिनिटी होता क्या है। आप लोग मैं आपसे पूछूं इनफिनिटी क्या होता है तो अच्छा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा इनफिनिटी होता क्या है, तो ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इनफिनिटी मतलब कोई चीज, यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी है, यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी है, इनके बीच में आप सभी को मालूम है कि नंबर होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा जूम कर दूं और बता दूं, यही एक्सप्लेन कर दूं। अब आप यहाँ पे ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ऐसे करके पांच, और ऐसे बढ़ता चला जाता है, सभी को क्लियर है बात। और अगर हम जीरो से इधर आए तो यही संख्या -1, -2, -3, -4 ये होती चली जाती है कि नहीं, और अगर ऐसे बढ़ते चले जाए तो माइनस की इन्फिनिटी। ये हमारी नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या है, रियल नंबर है। तो अभी आप बोलो फिर इसमें इंटीजर क्या है, तो मैं बताता हूं, पूर्णांक मतलब, इंटीजर मतलब, ये जो आपको 1, 2, 3, 4, 5 दिख रहा है ना, यही पूर्णांक है ना, ये पूर्णांक है। तो अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये पूर्णांक है तो पूर्णांक से हटके भी कुछ हो रहा होगा। हाँ, तो पूर्णांक से हटके कुछ है, दूसरा क्या है, रियल नंबर में, चले इंटीजर को हम नीचे इसे कर लेंगे, इसे पहले दो में तोड़ देते हैं। रियल नंबर में एक तो हमारा इंटीजर हुआ और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डेसिमल नंबर। डेसिमल बोले या फ्रैक्शन बोले, अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। कोई चीज जब अपॉन में होती है, कोई चीज फ्रैक्शन में होती है, जैसे अभी मैं बोलूं 1/2 है ना, तो 2 का एक हिस्सा आधा, इसे अगर लिखेंगे तो 0.5, ये क्या है, दशमलव में है। क्यों दशमलव, ये भी मैं समझाऊंगा अभी जब डेसिमल पे आऊंगा। अभी आप समझिए, ऐसी संख्याएं सारे दशमलव होती हैं, और जो पूरे पूरे हैं 1, 2, 3, 4 वो क्या होते हैं, इंटीजर। तो यहां पे मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे 1, 2, 3, -1, -2, ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। और डेसिमल की बात करूं तो 0.5, 0.25, 0.33, ये सब क्या है, डेसिमल है या फ्रैक्शन है, या 1/2 भी कहीं लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात वही हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, क्या है इंटीजर क्या है डेसिमल। अगर इसे नंबर लाइन से हम और अच्छे से समझे, इसे जूम करें, अभी देखिए आपको यहाँ पे इंटीजर तो दिख रहा होगा कि 1, 2, 3, 4 इधर चलता चला जा रहा है, -1, -2, -3, -4 इधर चलता चला जा रहा है, तो इधर हमारे सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, इधर सारे क्या हो गए, माइनस के इंटीजर हो गए, निगेटिव इंटीजर हो गए, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक। आगे बात समझ में हिंदी में बोलते हैं, साथ साथ में हिंदी बोलते चलूंगा, लिखूंगा मैं हिंदी, इंग्लिश ही ध्यान रखिएगा। तो अब हम अगर इसे और जूम आउट करें तो यहां से यहां के बीच में भी तो कोई संख्याएं होंगी कि नहीं होंगी। स्केल आप देखें, स्केल, स्केल में सेंटीमीटर होता है, उसके बीच में भी छोटी छोटी लाइन होती है ना, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे करके, तब आप जब 10 का पूरा होता है तब जाके आपका दूसरा सेंटीमीटर बढ़ता है, तो उसके बीच में भी क्या है, लाइन है। ये क्या होगा, 0.1 होगा, ये क्या होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 0.4 होगा। अगर इसे जूम करें और जूम कर दें, ये देखें 0.1, 0.2, 0.3, तो इसके बीच में भी जो है हमारा क्या है, ये कुछ पॉइंट में आ जाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बीच में है ये क्या है, डेसिमल है, और जो ये पूरे पूरे नंबर है ये हमारे क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर्स है। ये मैं डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आप, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप ये मत सोचिएगा कि अरे यार डेफिनेशन से कहां क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जांपल करवाऊंगा, और यूपी ट्रिपल एससी पूछे गए, इवन लोअर प्री में पूछे गए, जहां पे बच्चों को डेफिनेशन ना क्लियर होने की वजह से गलती करके आए हैं। हमें गलती नहीं करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेने का एक तरीका यह भी होता है कि जो आपकी गलतियां हों, जो आसान क्वेश्चन हो उसमें गलतियां करो ही मत, टफ ना लगे चलेगा, लेकिन अगर आसान क्वेश्चन गलत हो गया तो समझ लो कि आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। इससे बड़ा ब्लंडर जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता है कि अगर आप कोई आसान क्वेश्चन गलत करके आ जाओ, टफ ना लगाओ,
चलता आता है। क्यों चल जाता है? क्योंकि टफ क्वेश्चन ऑलरेडी समय ले जाता है। अगर टफ नहीं लगाओगे तो थोड़ा समय बचेगा, तो आप वो समय कहीं और दे दोगे, सिलेक्शन आपका नहीं रुकेगा। लेकिन आसान क्वेश्चन गलत करोगे तो समय भी जाएगा, आपका आसान नंबर भी जाएगा, और साथ साथ में जो दंड के रूप में आपको निगेटिव मार्क मिलता है 1/4 यहाँ पे है, वो भी आपको झेलना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो अभी देखिए, ये इंटीजर हो गया, ये डेसिमल हो गया। इंटीजर को फर्दर अगर क्लासिफाई करें तो हमने अभी जैसे बताया कि जब हम जीरो के इस साइड चलते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर जिसे आई प्लस से डिनोट करते हैं, और जब जीरो के इधर आते हैं तो निगेटिव इंटीजर, इसीलिए हमने बीच में क्या डाल दिया, जीरो। ध्यान दीजिएगा, जीरो भी एक इंटीजर है क्योंकि मैंने इंटीजर में क्लासिफाई किया था। क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? जीरो एक सम संख्या है, जीरो एक विषम संख्या है, जीरो एक धन पूर्णांक है, जीरो एक पूर्णांक है, ऐसे दिनों से कौन सा सही है? तो इसमें एक है कि जीरो एक पूर्णांक है, बाकी सब गलत हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? सम विषम ये भी हम देख लेंगे, जीरो सम है कि विषम है, बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों में। कई सारे बच्चे तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि दो सम है कि विषम है। अरे भाई, दो में एकदम कंफ्यूजन है, जीरो में तो भी हो जाओ, दो में क्यों कंफ्यूज आते हो? मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, और डेफिनेशन ऐसे ही पूछता है। तो इंटीजर को फर्दर क्लासिफाई किए तो आई प्लस हो गया, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, धन पूर्णांक हो गया, और ये निगेटिव का पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, और बीच में जीरो रख दिया। अब हम बात करेंगे डेसिमल की, लेकिन उससे पहले थोड़ा और कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छी बात है, हम डेसिमल फ्रैक्शन की बाद में बात कर लेंगे। अब आप एकदम दिमाग में चल रहा होगा कि चलो ठीक है, हम रियल नंबर से कहां पे आ गए, रियल नंबर से इंटीजर में तोड़े, इंटीजर डेसिमल में, फिर इंटीजर को तोड़े तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर मिला, निगेटिव इंटीजर मिला, जीरो मिला, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? दिमाग में आ रहा है ना? कोई बात नहीं, दिमाग में जब आप आता है, विचार बहुत कम के ही दिमाग में आता है, जिनके दिमाग में विचार आता है वही तो बुद्धिमान होते हैं और वही कुछ अलग करते हैं, तो विचार आना चाहिए दिमाग में। अब आई प्लस हुआ, हम इंटीजर को फिर से तोड़े तो सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर को तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जीरो अकेला उसे तोड़ के आप क्या पाओगे, और जो पॉजिटिव इंटीजर में टूटेगा वही निगेटिव इंटीजर में टूटेगा। बात समझिएगा, निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर दोनों सेम है, माइनस मतलब हो ये केवल साइन कन्वेंशन है। साइन कन्वेंशन क्या, ऐसे आप समझ लीजिए माइनस का प्रयोग क्यों पड़ा। ऐसा तो कोई इंसान है नहीं जो केवल भविष्य में सोचता हो और जो केवल वर्तमान में सोचता हो, सारे इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें पास्ट में भी सोचना पड़ता है। तो जब हम अपने पास्ट की बातें सोचते हैं, जब हम अपने पास्ट की बातें करते हैं, या हम किसी बैक पोर्शन की बात करते हैं, तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, निगेटिव की जरूरत पड़ती है, निगेटिव साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ती है। या ऐसे भी बोलिए, जब पावर का ड्यूरेशन बहुत बहुत कम होता है, जैसे अभी जब आप माइक्रो लेवल पर कोई चीज पढ़ते हो तो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में पढ़ते हो, लेकिन जब आप नैनोमीटर में पढ़ोगे तो एक का बहुत छोटा सा हिस्सा होगा, बहुत 0.00009 लगेंगे, है ना, इतना छोटा हिस्सा जाएगा। तो इसको सही से डिनोट करने के लिए अब हर बार कॉपी में आप 90 तो लगोगे नहीं, तो इसलिए उन्होंने साइन कन्वेंशन ले लिया, क्या, 10 × 10⁻¹⁹। अभी -9 बता रहा है कि ये नीचे जाएगा, तो ये इसको 9 बार डिवाइड करेगा तो 1/9 आ जाएगा, आगे समझ में, 1 के आगे। तो इसलिए ये यूजफुल हो गया, अभी थोड़ा देखने में स्मार्ट लग रहा है, हैंडसम लग रहा है ना, इसलिए इस डिनोशन के लिए। तो जो साइन होता है, ये साइन का होते दोनों चीज सेम है, बस साइन कन्वेंशन हो जाता है। आप ऐसा समझिए, कोई चीज अगर भविष्य का है तो अगर हम भूत में देखेंगे तो हम निगेटिव की बात करेंगे, या कोई बहुत बड़ी चीज है तो पॉजिटिव है, कोई बहुत छोटी चीज है तो हमें निगेटिव की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं। हम धन पूर्णांक को तोड़े तो ये किस में टूटेगा समझिएगा, सबसे पहले हम इसे तोड़ते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में। यह है होल नंबर और ये नेचुरल नंबर, है ना। नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्राकृतिक संख्याएं, हिंदी में इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं, है ना। काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, मतलब गणना जिससे करते हैं, क्यों इसे बोलते हैं समझाता हूं। और होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जैसा ही होता है, बस इसमें एक जीरो और होता है, मतलब जीरो और नेचुरल नंबर सबको मिला ले तो होल नंबर हो जाता है। इस बात को मैं और अच्छे से समझा रहा हूँ, डेफिनेशन समझा रहा हूँ इस चीज को, आप लोग को एकदम नजरिया अलग से दिखाऊंगा, अभी तक आप लोग प्राकृतिक संख्याओं को इस हिसाब से सोचे नहीं होंगे। मैं आपसे बोलूं, इतना तो सभी जानते हो कि प्राकृतिक संख्या क्या है और होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है, चार क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं, बताइए। मैं पूछूं एक क्या है, नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, सभी लोग बोलोगे क्या है, नेचुरल बोलोगे, कोई बोलोगे होल नंबर। मैं पूछूं जीरो क्या है, अब यहां पे 100% लोग जवाब दोगे कि जीरो क्या है, होल नंबर है। सही हूं मैं, जीरो होल नंबर है।
एक क्या है बोलोगे नेचुरल नंबर है, कुछ लोग बोलोगे होल नंबर है, चार क्या है और लोग कंफ्यूज जाओगे, बोलोगे नेचुरल नंबर है, बोलोगे होल नंबर है। तो ये कंफ्यूजन क्यों, जीरो पे आप एकदम क्लियर हो कि जीरो होल नंबर है और चार और एक पे कंफ्यूजन क्यों कि ये नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, कभी आपने सोचा? नहीं सोचा, मैं बताता हूं। क्योंकि आपने डेफिनेशन ही गलत पढ़ी। जब आप कक्षा दो तीन चार में ये पढ़ रहे थे तो जब आपकी वो सुंदर सी मैडम आपको पढ़ा रही थी तो आपका ध्यान मैडम पे था, इस पे ध्यान नहीं था। क्यों? उन्होंने क्या बोला, उन्होंने डेफिनेशन ये दिया था कि संख्याओं का वो समूह जो एक से शुरू होता है उन्हें क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अंग्रेजी वाले बच्चे ने क्या पढ़ा होगा, द नंबर सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट विद वन आकार नेचुरल नंबर्स। ऐसे सारे संख्याओं का समूह जो एक से शुरू होता है और अनंत तक जाता है उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो अब आपको बात क्लियर हो जाएगी। मैं कह क्या रहा हूं, मैं एक ऐसा सेट लिया, संख्याओं का समूह लिया जो कहां से स्टार्ट है, एक से स्टार्ट है, एक दो तीन चार पांच और बढ़ता चला जा रहा है, तो उन्हें आप क्या बोलोगे, नेचुरल नंबर बोलोगे। समझिएगा ये, क्योंकि एक सिंगल डिजिट है, सिंगल नंबर है, तो आप कैसे बोल सकते हो भैया कि नेचुरल है कि होल है। जब भी नेचुरल नंबर नहीं होता, नेचुरल नंबर्स होता है, होल नंबर नहीं होता, होल नंबर्स होता है। प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये सेट होता है, ग्रुप होता है। अगर अंग्रेजी जानते होगे तो सिंगुलर प्लूरल, ये प्लूरल होता है, और हिंदी का ग्रामर जानते होगे तो एक वचन बहुवचन मतलब बहुवचन होता है। बात समझ में आ गई? तो सेट ऑफ नंबर्स यानी कि एक से जो शुरू होते हैं अनंत तक जाते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने बोला कि सेट ऑफ नंबर्स ऐसे संख्याओं का समूह जो एक से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक से उधर तो जाएगा नहीं, तो क्या हम नेगेटिव इंटीजर में इनकी क्लासिफिकेशन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैंने क्या बोला, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर होता सेम है, चीजें सेम है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, नेगेटिव कन्वेंशन होता है, तो इसके साथ नेगेटिव कन्वेंशन है, तो यहां पर नहीं कर सकते हो आप, यहां पर करोगे। बात क्लियर हो रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा कि हां सर मुझे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से बेसिक क्लियर हो रही है। और अगर आपको बेसिक क्लियर होगी तो नंबर सिस्टम का एक भी क्वेश्चन आपसे जाने नहीं दूंगा, इस बात की गारंटी है, पक्का बता रहा हूं, बस आप साथ बने रहिए। तो ये हो गया एक दो तीन चार पांच, अगर संख्याओं का समूह एक से स्टार्ट हो रहा है तो जा रहा है प्राकृतिक संख्याएं हैं, जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो होल नंबर है। तो यानी कि जब आपसे कोई ये पूछेगा कि चार होल नंबर है या नेचुरल नंबर, तो बोलोगे आप पागल हो गए हो क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो, है ना? तब आप उससे ये बोलो, क्यों? क्योंकि अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, अब वो पागल है और आप क्या हो, बुद्धिमान हो। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ जीरो भी मिला दिया जाए तो होल नंबर हो जाता है, और एक दो तीन चार पांच छह सात मतलब अंतर जाए तो प्राकृतिक संख्या होती है। इसको हमने काउंटिंग नंबर भी बोला, काउंटिंग नंबर मतलब जिनकी गणना शुरू करो, क्यों बोलते हैं? बात क्लियर हुई कि नहीं? कोई मुझे बताएगा कि यह काउंटिंग नंबर क्यों कहलाता है? काउंटिंग नंबर इसलिए, यहां पे जीरो से स्टार्ट है, यहां पे एक से स्टार्ट है। मुझे एक बात बताओ, आप कभी गिने हो जिंदगी में? गिने तो हो गए है ना, गिनती तो सब की हो गए, तो गिनती कहां से किए? जीरो एक दो तीन चार पांच ऐसा किए? नहीं किए ना। गिनती शुरू कहां से? एक दो तीन चार पांच छह ऐसे शुरू किए। तो जब एक से शुरू कर रहे हो तो एक से शुरू होने वाला प्राकृतिक संख्याएं भी तो है, तो इसी को कह दिया काउंटिंग नंबर, इसे काउंटिंग नंबर इसलिए नहीं कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि हम गणना ही एक से करते हैं। अच्छा, हमारे जमाने में नहीं, दादा के जमाने में वो लोग किससे, जब कुछ तौलते वोलते थे, ध्यान हो किसी घर में अगर राशन वाशन बार्टर सिस्टम जो चलता था, तौलते वोलते थे तो सिर्फ राम दो तीन चार वो राम से शुरू करते थे। तो आप ऐसा मत समझिए कि काउंटिंग नंबर राम से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है, वो उनका था सिस्टम, दादा लोग चले गए, दादा के साथ ही वो सिस्टम चला गया, हमारे साथ यही नेचुरल नंबर है जो हमारी किताबों में लिखा है, प्राकृतिक संख्या है और इसी का प्रयोग पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो ये नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर हो गया। अभी हम इसे और क्लियर करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर दूं ताकि आपको ये चीजें और क्लियर हो जो इतना गुदगाद गया है ना। अभी देखिए, नेचुरल नंबर को फिर से अगर हम क्लासिफाई करें, नेचुरल नंबर को, होल नंबर तो जाहिर सी बात है उसी में नेचुरल आ रहा है, अब हम नेचुरल को अगर फिर से क्लासीफाई करें तो क्या बनेगा हमारा, अगर अब अच्छा पहले अलग लिख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से, आप खुद ही क्लासीफाई करो, मुझे करने की क्या जरूरत है, जब आपके पास बुद्धि है। नेचुरल नंबर आप लिखिए एक दो तीन चार पांच छ सात, ऐसे ऐसे तो बढ़ते जाओगे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं में। तो एक है, दो है, दो क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जानते हो, अभाज्य संख्या है, वो संख्याएं जो केवल और केवल खुद से विभाजित हों और एक से विभाजित हों, उन संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और ऐसी सारी संख्याएं जो एक से और खुद से
उन से के अलावा किसी और संख्याओं से डिविजिबल हो तो वो क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं हो। तो जो नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं वो क्या होती हैं? या तो प्राइम नंबर होंगी या तो कंपोजिट नंबर होगी। समझिएगा, प्राइम नंबर जैसे मैंने बोला क्या अभाज्य संख्याएं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जो केवल और केवल खुद से कटे या एक से कटे। जैसे दो है, दो या तो एक से डिविजिबल होगा या तो दो से डिविजिबल होगा। इसके अलावा कोई नंबर ही नहीं है जो इसे डिवाइड कर पाए, तो यह संख्या क्या होगी? प्राइम। वहीं अगर हम चार ले लें तो चार एक से भी डिवाइड हो जाएगा, चार दो से भी डिवाइड हो जाएगा, दो भी चार को काट देगा, चार को चार भी काट देगा, तो एक और चार के अलावा एक संख्या और मिल रही है जो चार को डिवाइड करेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो जो नेचुरल नंबर होगा, आप देखिए दो क्या है? प्राइम नंबर है। तीन क्या है? ये भी या तो एक से कटेगा या तो तीन से कटेगा, तो क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। चार मैंने अभी अभी बताया क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। पांच क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। छह दो से कटेगा, तीन से कटेगा, एक से कटेगा, छह से कटेगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। सात या तो एक से कटेगा तो सात कटेगा, ऐसे क्या होगा? प्राइम। तो अब देखते चलो, या तो पीपी मिल रहा है या तो सी मिल रहा है, यानी या तो प्राइम मिल रहा है या तो कंपोजिट मिल रहा है। एक क्या है? एक भी बोलो, एक या तो एक से कटेगा या तो फिर एक खुद से ही कटेगा एक से, यानी एक भी क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? सही बोल रहा हूं? अब बताओ सही है कि नहीं? सही है, गलत है, और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर ऑलरेडी बड़ा होता है, ये ऐसी गलती है जो आपको कभी क्षमा देगी ही नहीं, और यही एग्जाम में एग्जामिनर आपको फंसाता है। कई बार क्वेश्चन क्या देता है? पहले 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो जिन बच्चों को ये नहीं मालूम है कि एक भाज्य संख्या है कि एक अभाज्य संख्या है, एक प्राइम है कि एक कंपोजिट है कि दोनों नहीं है, वो क्या करेंगे? गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि उन जिनको ये समझ में आ रहा है कि एक प्राइम नंबर है, वो क्या करेंगे? शुरुआती 10 प्राइम नंबर, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 3, 6, 3, 9 हो गए, 3, 3, 6, 2, 8 हो गए, 13, फिर 17 और फिर 19, इन्हीं को जोड़ के उनका एवरेज निकाल लेंगे। निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे? बताओ, आराम से निकाल लेंगे। लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक प्राइम है ही नहीं, तो फिर क्या है? एक कंपोजिट है, एक कंपोजिट भी नहीं है। एक ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? अलग रखेंगे। किससे? क्लासिफिकेशन से। बात समझ में आ गया? क्यों नहीं है? इस बात को समझिएगा। प्राइम नंबर का डेफिनेशन ये बोलता है कि ऐसे नंबर्स जो एक से डिविजिबल हो या खुद से डिविजिबल हो, और ये दोनों क्या होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। जैसे दो का एक डिविजिबल एक है, एक फैक्टर दो है, और ये एक बराबर दो नहीं है, तो ये प्राइम हुआ। एक के केस में क्या हुआ? एक इधर भी एक से और ओन भी एक है, तो ये दोनों चीजें तो सेम है, तो फिर वो क्या होगा? प्राइम नहीं होगा। और क्योंकि ये कॉम्पोजिट भी नहीं है, इसलिए एक को क्लासिफिकेशन में अलग रखा गया। और इसी कारण जब हम काउंटिंग नंबर का क्लासिफिकेशन करेंगे तो या तो इसमें एक आएगा या तो इसमें प्राइम नंबर आएगा, प्राइम बोलेंगे, और या फिर इसमें क्या आएगा? कॉम्पोजिट नंबर आएगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? क्या आएगा? कॉम्पोजिट नंबर आएगा। यहां पे मैं इसे थोड़ा बड़ा करके लिख दूंगा ना, आपको अभी बाद में दिक्कत आएगी। या तो प्राइम होगा या तो एक होगा, और या तो क्या होगा? कॉम्पोजिट होगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा प्राइम, और ये हो जाएगा कॉम्पोजिट, इसके क्लासिफिकेशन में। इतनी बात समझ में आ गई? तो अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर लिया, साथ में ये भी समझ गए कि पी मतलब प्राइम नंबर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ गई। डेफिनेशन जो भी होगा इसके नोट्स होंगे आपको मिल जाएंगे, परेशान मत होइएगा, लिखना होगा तो वहां से लिख लीजिएगा, या आप जो क्लास देख रहे हो तो भी आप अपने नोट्स बनाते चलो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो बात मैं बोलूंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जाम के लिए। एक एक बात जो मैं बोल रहा हूं सभी से क्वेश्चन बन सकता है और बनता आ रहा है, और क्योंकि ये यूपी ट्रिपल एससी है, और क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का पेपर टीसीएस करा रहा है, तो आपकी भावनाओं के साथ आपके साथ कभी भी खेल सकता है, तो वो खेलने ना पाए, इसलिए आप अपना कॉन्सेप्ट क्या रखो? मजबूत रखो। ये क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट हो जाएगा। इसके भी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी।
तो इतना तो मैंने क्लासिफिकेशन किसका किया, रियल नंबर आए, रियल नंबर को दो में हुआ ये देखते चलिए, रियल नंबर से इमेजनरी किसमें, कोई भी नंबर सिस्टम को क्लासिफाई करेंगे तो या तो रियल, अभी मैं साफ साफ लिख दूंगा रियल या तो इमेजनरी। जब रियल नंबर को फर्दर तोड़े तो हमें क्या मिला, इंटीजर मिला और डेसिमल मिला। इंटीजर को फिर से तोड़े तो निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर बीच में जीरो मिला। पॉजिटिव इंटीजर को फिर से तोड़े तो हमें नेचुरल नंबर मिला, होल नंबर मिला, प्राकृतिक संख्याएं मिली और पूर्ण संख्याएं मिली। उस नेचुरल नंबर को फिर से तोड़े तो हमें एक मिला और प्राइम नंबर मिला, कॉम्पोजिट मिला। आप बोलोगे होल नंबर का क्लासिफिकेशन, तो होल नंबर तो यार नेचुरल नंबर है ना, उसमें तो जीरो ही तो लगा है, तो जीरो का तो क्लासिफिकेशन, बात समझ में आ रही। हमने जीरो का क्लासिफिकेशन यहाँ भी नहीं किया तो यहाँ पे भी नहीं करेंगे, हमारी मर्जी नहीं, मैथ की मर्जी है। जीरो मतलब कुछ नहीं है ना, जीरो तो बस कहीं यूज हो जाता है बाद में, पहले कोई मतलब नहीं होता। तो एक प्राइमर कंपोजिट में तोड़ लिया। अभी हमारा एक बहुत बड़ा जो पोर्शन बच रहा है वो क्या बच रहा है, डेसिमल बच रहा है। तो अब हम थोड़ा डेसिमल को अच्छे से समझेंगे, डेसिमल क्या होता है, और फिर हम इस क्लासिफिकेशन को से आगे बढ़ेंगे इसे खत्म करके अच्छे से। डेसिमल क्या होता है, डेसिमल मतलब हिंदी में होता है दशमलव, बात समझ में आ गई। दशमलव क्यों, इसमें एक दस छुपा है। दस हमारे जितने भी न्यूमेरिक सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है उसका जो कैलकुलेशन होता है उसमें किसके बेस पे होता है, दस के बेस पे होता है। जैसे आप लिखोगे दस, आप लिखोगे सौ, आप लिखोगे एक हजार, ऐसे तो लिखते हैं। अभी आप बोलोगे सर हम तो 112 भी लिखते हैं, तो मैंने कब कहा कि आप 112 नहीं लिखते हो, लेकिन ये भी डेसिमल सिस्टम में कैसे, जब आप 112 लिख रहे थे तो कायदे से ऐसे लिखे, 2×10^0 प्लस, किसी को याद आ रहा है प्लेस वैल्यू वाला सिस्टम, 1×10^1 प्लस 1×10^2, और जब इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या अल्टीमेट 112। नहीं समझ में आ रहा है, 10 का स्क्वायर मतलब 100, 100×100 प्लस 10 का पावर 1 मतलब 10, 10×1 10 और 10 की पावर 0 मतलब कि 1 और 1×2 2, 100 प्लस 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 112। तो ये 112 भी अल्टीमेटली आया कहाँ है, इससे आया है। कहने का मतलब जो हमारा सारा चीज चल रहा है ये किस में चल रहा है, 10 के बेस में चल रहा है, इसलिए हमारा ये क्या है, डेसिमल सिस्टम बोला जाता है। आप बाइनरी वगैरह में पढ़े हो जिसमें बेस क्या होता है, 2 होता है, या तो 0 होता है या तो 1 होता है, 1 के आगे बढ़े नहीं पाता, 2, 3 कभी सुने उसमें नहीं। ऑक्टा आप पढ़े होगे, कंप्यूटर लैंग्वेज अगर पढ़े होगे, आप ट्रिपल सी किए होगे या आप ओ लेवल किए होगे तो वहां पर भी समझ में आएगा। जो आपके स्ट्रीम बीटेक वोटेक करके आए हो कहीं पे, उसमें किसी सेमेस्टर में कंप्यूटर रहा होगा तो वहां पर भी आप पढ़े होगे। कुछ लोग अगर डिप्लोमा वगैरह कंप्यूटर साइंस से किए होगे तो उसमें भी पता चल रहा होगा कि हाँ हमारे, इवन 12th भी अगर पास किए होगे तो वहां पर भी एक चैप्टर है बाइनरी सिस्टम का, वहां पर बताया गया। तो बेस 10 में हमारा चलता है, 8 में नहीं चलता, 6 में नहीं चलता, 2 में नहीं चलता, इस कारण हमें इसे क्या कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। अब समझिएगा एक एक बात मैं समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं पूछता चलूंगा क्या कितना ग्रैप कर पा रहे हैं इस चीजों को, है ना, ताकि मुझे पता चले आप कितनी शिद्दत के साथ पढ़ रहे हैं। अगर शिद्दत के साथ नहीं पढ़ेंगे तो मेरा पढ़ाना बेकार हो जाएगा, आपका पढ़ना बेकार हो जाएगा। आपने जो हमें 2000 रुपया दिया उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, है ना, 2000 दिया तो वसूल लो अच्छे से, मैं तो पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। चलिए, तो डेसिमल को हम अगर सिर्फ बोले, डेसिमल मतलब समझ में आ गया। अच्छा, डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों है सेम चीज। जैसे मैं लिखूं 1/2 तो मैं बोलूंगा ये फ्रैक्शन लिखा है, क्या लिखा है, फ्रैक्शन, भिन्न लिखा है। और अगर इसी को मैं बोल दूं 0.5 तो ये क्या लिखा है, दशमलव लिखा है। तो बोलो सर ये क्या 10 के बेस में नहीं लिखा है, हाँ ये 10 के बेस में नहीं लिखा है क्योंकि ये 1/2 है, भिन्न की बात कर रहा है, एक अलग है 10 के बेस में, 2 अलग है 10 के बेस में, लेकिन 1/2 कुछ नहीं है, वो भिन्न है, वो बोल रहे 2 का एक पार्ट, जबकि 0.5 क्या है, दशमलव। क्यों, क्योंकि जब हम नंबर लाइन में 0 से इधर चलते हैं तो 10^0, 10^1, 10^2 चलती है, और जब हम 0 के उधर जाते हैं मतलब दशमलव के, 0 नहीं, ये दशमलव पॉइंट बोल रहे हैं, है ना, जब हम पॉइंट के इधर रहते हैं तो ऐसे चलता है, जब पॉइंट के उधर जाते हैं तो हमारा क्या चलता है, 10^-1, 10^-2, 10^-3, ऐसा चलता है। तो ये लिखा है 10^-1, बात समझ में आ गई, ऐसा 1/2 जब हम उसमें करेंगे 5×10^-1 तब हमारा जाके 0.5 आएगा, तो इसलिए ये दशमलव है, बात समझ में आ गई, और ये हमारा क्या है, भिन्न है। मेरे ख्याल से अगर ये समझ में आ गया होगा तो हमारा क्लासिफिकेशन करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। अब इसे हम क्लासिफाई करते हैं, तो अगर हम डेसिमल को क्लासिफाई करें तो इसमें हमें कुछ स्पेशल केस मिला। स्पेशल केस क्या मिला, आप समझिएगा, मैं आपको साइड में समझाता हूँ। आपने दशमलव देखा तो 0.5 आपके सबसे पहले नजर में आता है, आपने 0.25 भी देखा, आपने 0.3 भी देखा। देखिए ये 1/2 का मान होता है, ये 1/4 का मान होता है, ये 1/3 का मान होता है, 0.3333 बढ़ता चला जाता है, रुकता नहीं।
ऐसा होता है ना, 1/3 करेंगे तो 0.33333 बढ़ता जाएगा, 2/3 करेंगे अगर तो 0.6666 आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो अभी आप कुछ यहाँ पे देख पा रहे हो अलग अलग है कि नहीं, ये तो 0.5 के बाद उसकी कहानी खत्म हो गई है, ये 0.25 के बाद उसकी कहानी खत्म हो गई है, लेकिन ये 0.33333 बढ़ता चला जा रहा है, ये 0.6666 बढ़ता चला जा रहा है। तो बस यहीं से जो मैथमेटिशियन थे, जो गणितज्ञ थे, जो कुछ सोच सकते थे, जिनके दिमाग था 50 ग्राम सबसे लगाते थे, 1350 ग्राम सबके पास होता है, 50 ग्राम एक्स्ट्रा जो लगा लेता है वही बुद्धिमान हो जाता है। तो देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला यार कुछ डेसिमल तो रुक जा रहे हैं, कुछ दशमलव जो हैं वो रुक जा रहे हैं, और कुछ दशमलव रुक ही नहीं रहे हैं, मतलब कुछ दशमलव शांत ही नहीं हो रहे हैं। तो बस उन्होंने बोला कि जो रुक जाते हैं उन्हें हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग, या हिंदी में बोलेंगे शांत दशमलव, और जो नहीं रुकते हैं उन्हें बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव, यानी कि वो शांत नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ उपद्रव मचाते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। बात समझ में आ गई। तो जब डेसिमल को हमने तोड़ा तो दो पार्ट में टूटा, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब 0.5 जैसा और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0.3333 और बढ़ता चला जाए। अच्छा, मैथमेटिशियन यहाँ पे कहाँ रुकने वाले थे, उनका दिमाग और बढ़ गया। अब यहाँ पे जो रुक गया, जो शांत हो गया, उस पर कोई दिमाग लगाता है क्या? वो तो चुपचाप बच्चा बैठा रहता है, उस पर कोई, एक शांत बच्चा जो रोता गाता नहीं है, वो अपने मस्त रहता है, उसको कोई पूछ नहीं आता है। और जो रोने वाला बच्चा होता है ना, जो घर बैठे बचाया रहता है, उसके पीछे पूरा घर लगा होता है कि ये किसी तरह शांत हो जाए। तो बस ऐसे ही अशांत नंबर के साथ, अशांत दशमलव के साथ मैथमेटिशियन फिर से लगे रहे और उनमें कुछ और नया खोज निकाला। उन्होंने क्या कैटेगरी निकाला, यार कुछ तो दशमलव जो है, कुछ दशमलव तो हमें ऐसे दिख रहे हैं कि 0.3333 बढ़ता ऐसे चला जा रहा है, लेकिन कुछ दशमलव ऐसे भी मिल रहे हैं 0.37689 जिनका कोई पैटर्न ही नहीं मिल रहा है। मतलब ये वो शरारती बंदा है जो बार बार एक ही काम कर रहा है, रुक भी नहीं रहा है लेकिन बार बार एक ही काम कर रहा है, लेकिन ये ऐसा उपद्रवी बच्चा है जो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट नौटंकी कर रहा है। मतलब ये रुक ही नहीं रहा है, इसके डिजिट रिपीट नहीं हो रहे हैं, और जबकि इसके डिजिट क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही काम कर रहा है। तो इन्होंने पाया कि अगर हम इसे फर्दर तोड़े नॉन टर्मिनेटिंग को, अशांत वाले को, तो हमारा एक क्या मिलेगा, एक हमारा मिलेगा रिपीटिंग, या इसे रिकरिंग भी कर सकते हैं, या हिंदी में आवर्ती बोल सकते हैं, और एक हमारा नॉन रिपीटिंग यानी कि दशमलव के बाद जो अंक रिपीट ना करें, कुछ ना कुछ नया होता है, कोई पैटर्न ना मिले, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग इसे बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अनावर्ती दशमलव। तो ये हमारा कुछ बेसिक क्लासिफिकेशन है, अगर आप अच्छे से देख पाओ, मैं इसे थोड़ा और अच्छे से एक बार में बताता चला जा रहा हूं कि हमने नंबर सिस्टम को क्लासीफाई किया, नंबर्स को क्लासिफाई किया रियल नंबर्स में और फिर इमेजनरी में। इमेजनरी हमारे कोर्स में नहीं था तो हम ज्यादा उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं। रियल नंबर को हमने फर्दर तोड़ा तो एक हमारा मिला इंटीजर, एक हमारा मिला डेसिमल, डेसिमल को हमने फिर से तोड़ा, इंटीजर को पहले तोड़े थे तो इंटीजर को फिर से तोड़ा तो निगेटिव इंटीजर, जीरो और पॉजिटिव इंटीजर मिला, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर को फिर से तोड़ा तो यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर मिला और फिर होल नंबर मिला, और फिर जब हम इसे फिर से तोड़े नेचुरल नंबर को तो एक मिला, प्राइम नंबर मिला और कॉम्पोजिट नंबर मिला। ये इधर का क्लासिफिकेशन था। और जब डेसिमल को तोड़े तो हमारे यहाँ पे एक तो शांत वाले मिले जो टर्मिनेटिंग थे, और एक हमारा अशांत वाला मिला जो नॉन टर्मिनेटिंग था। बात समझ में आ गई। फिर हमने नॉन टर्मिनेटिंग को फिर से तोड़ा, उसमें एक हमारा क्या हुआ, रिपीटिंग या रिकरिंग हुआ, और दूसरा हमारा क्या हुआ, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, जो भी आप बोल लो, या अनावर्ती आवर्ती, ये आवर्ती वो अनावर्ती। ये हमारा कुछ क्लासिफिकेशन था जो हमने आज में सीखा, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी हमने इसमें सारी की सारी डेफिनेशन सीखे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, इवन और ऑड, क्योंकि हमने एक भी पढ़ लिया, प्राइम नंबर भी पढ़ लिया, कंपोजिट भी पढ़ लिया। प्राइम नंबर के बारे में मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बता दूं कि प्राइम नंबर के साथ एक स्पेशल केस ऐसा है, क्योंकि इस पर दोबारा हम घूम के नहीं आएंगे, यही वजह से फिनिश कर देंगे। और आपको क्वेश्चन जो बनता है पहचानना होता है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है, तो उसका बस यही पर्टिकुलर होता है। ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कैसे डील किया जाएगा जब मैं क्वेश्चन का कराऊंगा। प्राइम नंबर के एक साथ केस होता है कि वो हमेशा 6p प्लस माइनस 1 के फॉर्म में रहता है।
कोई भी प्राइम नंबर होगा वो 6p प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगा, जबकि इसका उल्टा सही नहीं है। कोई ऐसा नंबर जो 6p प्लस माइनस 1 के फॉर्म में हो वो जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो ही। इसका मतलब क्या होगा मैं समझाता हूं, अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे मैं चूज कर लूं क्या 19 को मैं लिख सकता हूं 6 × 3 + 1, ये लिखा है कि नहीं लिखा है, 6 × 3 = 18 = 19। और यहीं पे अगर मैं 17 लिख लूं तो ये लिखा है 6 × 3 - 1। देखिए सारे प्राइम नंबर 6p + 1 6p - 1, तो कभी भी कोई भी प्राइम नंबर लोगे तो इसी फॉर्म में हमेशा रहेगा। लेकिन सारे नंबर जो 6p + 1 हो जरूरी नहीं है प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, 25 आप उठा लीजिए, 25 को भी आप लिख सकते हो 6 × 4 + 1, ये भी 6p + 1 के फॉर्म में लिखा है लेकिन ये प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा प्राइम नहीं है, तो आप चेक कर लो कि कौन सा नंबर 6p + 1 के फॉर्म में नहीं है। अगर संख्या 6p + 1 के फॉर्म में नहीं होगी तो वो पक्का पक्का प्राइम नंबर नहीं होगा, और वो यही पूछता है निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर नहीं है। बात समझ में आ गई, ये नहीं पूछता निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर है। और अगर ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा प्राइम नंबर है, तो ये तो आपका 3-4 पे सेटिस्फाई कर जाएगा। उसके लिए एक अलग तरीका होगा, जो भी नंबर होगा उसका नियरेस्ट अंडर रूट ले लो, और उससे छोटे जितने भी नंबर हैं अगर उनसे किसी से भी नहीं कटता है, जैसे अभी मान लो आपसे पूछ ले 1332 है ना, 1332, तो आपको मालूम है ये 35 की 5 पचम 25 और 4 त्रिक 12 1255, 35 के आसपास आएगा ये इसका स्क्वायर रूट। नियरेस्ट स्क्वायर रूट होगा 35 या 36 होगा, आप देख लीजिएगा 35 होगा मेरे ख्याल से, जो इससे छोटा स्क्वायर रूट होगा नियरेस्ट। अब 35 से छोटे सारे प्राइम नंबर निकाल लीजिए, कौन कौन से हैं, 31 है, 29 है, और कौन सा है, और पीछे चलेंगे तो 23 मिलेगा, फिर उधर 19 मिलेगा, फिर 17 मिलेगा, ऐसे ऐसे मिल। तो अगर इन किसी में से वो नंबर नहीं कट रहा है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर किसी से नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर होगा, और किसी से भी कट जा रहा है तो प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा जब प्राइम नंबर चेक करेगा। हालांकि मैंने बताने वाला था लेकिन फिर भी रहा नहीं जाता है, बता ही देता हूं, है ना, 2 मिनट एक्स्ट्रा लगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इतनी बात समझ में आ गई है क्लासिफिकेशन, तो अब हम नेक्स्ट जो क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, वो क्या पढ़ेंगे, इवन और ऑड अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम इसका प्राइम नंबर तो यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, कॉम्पोजिट नंबर जब हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे होंगे उस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। डेसिमल का भी हम कल ही क्लास में पढ़ेंगे, इवन ऑड पढ़ने के बाद इस क्लासिफिकेशन से फिर से स्टार्ट करेंगे, और तब क्योंकि ये डेमो लेक्चर है आप लोग भी ज्यादा बोर ना हो इसलिए मैं आपको फिनिश कर दे रहा हूं, वरना तो मैं पूरा इसे पढ़ाता। तो यहां पे इतना आपके लिए पहली क्लास में सफिशियंट है, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा का पूरा रिमाइंडर थ्योरम तक बहुत अच्छे से उसे कवर करेंगे, और उसके बाद जो आगे है एलसीएम एससीएफ फैक्टराइजेशन उसे कवर करके मात्र 3 क्लासों में हम नंबर सिस्टम को एक एक छोटी छोटी बिंदु को भी, थोड़ी लंबी लंबी क्लास होगी मैं पहले ही बता दे रहा हूं, इत्मीनान से समय इस हिसाब से पूरा शेड्यूल रखा गया है कि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी हो पाए। एक बात और समझिएगा, यहाँ पे हम लोग का जो रोल है वो आपको मार्गदर्शित करने का है, बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट बताने का है, ऐसे समझाने का है जो आप उससे पहले कभी ना समझ में आया हो, लेकिन सिलेक्शन आपके अपने मेहनत से ही होना है, उसका बहुत ज्यादा रोल है। जब हमारी मेहनत और आपकी मेहनत बराबर लग जाएगी, इवन आपकी ज्यादा, तब जाके आपका सिलेक्शन पक्का पक्का हो जाएगा। अगर कहीं यहाँ पे बेईमानी किए तो फिर समझ लो कि सिलेक्शन इतना आसानी से होना नहीं है, बहुत ही जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है, बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। बात समझ में आ रही है, तो उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। जो बच्चे डेमो नहीं है, जो कोर्स ले लिए हैं, वो एकदम मत लेना कि रिलैक्स रहे, 25-23 से शुरुआत होकर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, हम जल्दी ही आपको सारी चीजें अवेलेबल करने लगेंगे जैसा शेड्यूल दे दिया गया है। प्लस एक चीज मैं और बता दूं, जो बच्चे केवल टेस्ट सीरीज लिए हैं उनके लिए 5 जो सेक्शनल टेस्ट है वो मैं और भी उनके लिए फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि वो भी देख लें कि सेक्शनल प्रोवाइड में क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। सेक्शनल में अगर वो भी फुल कोर्स में आना चाहें तो आ सकते हैं, उन्हें भी पता चलना चाहिए आखिर इसकी क्वालिटी क्या है। तो जो 5 होगा एक कारण ये भी है उसका उन्हें प्रोवाइड करने का, उन्हें लग रहा है कि जो प्रोग्राम है बहुत देर में स्टार्ट हो रहा है, तो प्रोग्राम देर में स्टार्ट ही हो रहा है आपका। जब तक फ्री डेमो चल रहा है आप ये क्लास ही फ्री के पाते हो, तो आप लोग खुश रहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खुश रहा करो, सबसे अच्छी बात तो यही है। लेकिन हम आपको टेस्ट भी दे देंगे वहाँ पे, ताकि आपको ये ना लगे कि प्रोग्राम जो है लेट से स्टार्ट हो रहा है। प्रोग्राम आज से नहीं, प्रोग्राम कल से ही स्टार्ट हो गया है, और आप अपनी पढ़ाई तुरंत स्टार्ट कर दो, एकदम थमो नहीं। उम्मीद है आप भी हमारे साथ ही मेहनत करेंगे। तब फिर तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, है ना। आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। धन्यवाद।